वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द ग्रेट मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की लाइफ स्टोरी। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था, जिन्हें आमतौर पर ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही वे काफ़ी टैलेंटेड थी। उनके टैलेंट को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर नामक महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वह 3 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी, तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवाल को हल करने की क्षमता है। 6 साल की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने टैलेंट का प्रदर्शन किया और बाद में 2 साल बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन किया था। उसके बाद वे प्रदर्शन के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापट्टनम गई। बचपन से ही वह वर्ल्ड फेमस बन चुकी थी। जब वह 10 वर्ष की थी, तब उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन एडमिशन लेने के 3 महीने के अंदर ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स स्कूल की फीस देने में असमर्थ थे। उनके जीवन की एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं की है। इसके बावजूद वह मैथ्स में काफ़ी होशियार थी। 1944 में शकुंतला अपने पिता के साथ लंदन चली गई। बहुत से इंस्टीट्यूट्स में देवी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह सब वह तब तक करती रही जब तक कि अंग्रेजी मीडिया उन्हें पहचान न ले। मेंटली इंटेलिजेंट होने के साथ ही शकुंतला देवी एक राइटर भी थी। उनकी किताब दी वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल उनके द्वारा लिखी गई पहली किताब थी। शकुंतला देवी को कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। साल 1970 में शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ डिस्टिंग्विश्ड वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1988 में उन्हें वॉशिंगटन DC में रामानुजन गणितीय जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे अमेरिका के तत्कालीन भारतीय राजदूत द्वारा दिया जाता था। उनका नाम 1995 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एडिशन में सुपर मैथमेटिकल वर्क के लिए लिस्टेड किया गया था, जहां उन्होंने 213 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को हराया था। 2013 में मृत्यु से 1 महीने पहले उन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शकुंतला देवी ने राजनीति में भी हिस्सा लिया था और वे उस समय सांसद बनी जब महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता था। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बेंगलोर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लगातार 2 हफ्तों तक वे एडमिट थी और किडनी और दिल में भारी कमजोरी के चलते हॉस्पिटल में ही 21 अप्रैल 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 83 साल की थी। 4 अप्रैल 2013 को गूगल ने अपने डूडल को उनके नाम पर करते हुए सम्मानित किया था। शकुंतला देवी की बायोग्राफी पर मूवी भी बनाई गई है, जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई 2020 को रिलीज होगी। इस फिल्म में शकुंतला देवी का रोल एक्ट्रेस विद्या बालन ने किया है। तो गाइस, ये थी द ग्रेट मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की लाइफ स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।